भारतीय आजादी में अपना अहम योगदान रखता है ये जिला। यही वो जिला है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई 9 अप्रैल 1919, जब ये शहर पंजाब प्रांत में आता था। तब 10 अप्रैल को यहीं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव जिले को एक नया फरीदाबाद जिला मिला। 15 अगस्त 2008 को पंजाब प्रांत का ये शहर हरियाणा राज्य का 21वां जिला बना। और आज ये जिला पलवल अपने आप में एक इतिहास रखता है। इसी पलवल शहर के एक व्यक्ति ने इतिहास लिखा। नेटवर्क मार्केटिंग में SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का ब्लू डायमंड लीडर बनकर राहुल शर्मा। पलवल का बड़का इलाहाबाद गांव, यहीं एक किसान परिवार रहता। रतनलाल शर्मा, इन्हीं के बेटे श्री इंद्रपाल सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी के यहां एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा राहुल। पिता श्री इंद्रपाल ने पिता के साथ खेती को संभाला और साथ ही एक्सपोर्ट लाइन में जॉब कर अपने बच्चों की परवरिश करते। 16/8/1995 को जन्मे इंद्र के बड़े पुत्र, इनकी एक बहन और छोटा भाई। 10,000 की नौकरी करने वाले पिता ने राहुल की शिक्षा गांव के सरस्वती विद्या मंदिर से शुरू कराई। यहां राहुल ने मेहनत की और दिल लगाकर पढ़ाई की और टॉप कर 10वीं तक की पढ़ाई को पूरा किया। 11वीं और 12वीं DNB पब्लिक स्कूल कुशक से पास कर ली। अपनी सफलता और शिक्षा के प्रति लगन को साबित किया। अपने दादाजी की छत्र छाया में पले राहुल शर्मा दादाजी के सबसे करीब थे। इन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं के साथ सपनों को बुनना, इन्हीं के सपनों को पूरा करने राहुल दादाजी का आशीर्वाद ले पलवल से दूर दिल्ली PGDAV कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आ गए। यही वो समय था जब राहुल ने अपनी गरीबी को दूर करने के सपने की शुरुआत की। एक नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन कर और अपनी जिंदगी को बदलने का कार्य शुरू किया। पिता और परिवार ने विरोध किया और शिक्षा की बात की, पर दादाजी के चहेते राहुल को दादा ने सपोर्ट किया। अब राहुल अपने दादा को अपने सारे सपने बताते। इन्हीं सपनों में दादा के मन में एक सपने ने जन्म लिया, राहुल शर्मा को डायमंड लीडर बनते देखने का। पर उम्र कम और अनुभवहीनता, तो राहुल ने सामने चुनौती को फेस किया। अपनी टीम बनाते पर लोग राहुल को सुनना पसंद नहीं करते। 3 साल गुजर गए पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इधर घर में माँ की तबीयत खराब होने लगी, माइग्रेन की समस्या हो गई, तो अब चिंता ज्यादा थी। तब एक दवाई मिली SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, यहीं से उसे खरीदा। मां की तबीयत में सुधार देखा तो अपने पुराने साथी चमन सर से मुलाकात की। उनके साथ अनुज शर्मा सर से AWPL के प्लान को समझा। प्रोडक्ट अच्छे थे ही और पे आउट और भी अच्छा, तो AWPL को ज्वाइन कर काम करने लगे। दिसंबर 2018 को ज्वाइन कर काम करने का निर्णय लिया। प्रोडक्ट के दम पर अपनी टीम का निर्माण करते। राहुल के लिए सब कुछ आसान लग रहा था पर टीम का विस्तार धीमा था।
बस तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। प्यासी थी एक कर्ज दिल पे था रखा, पूरा हुआ अपना टूटा सब वो सपना, चुभता जो आंखों में आया था। खुद अपने आप को ट्रेन करना और सीखना शुरू किया। दादाजी का देहांत हो गया, तब राहुल टूट चुके थे। इससे आगे निकल दादाजी के सपनों को पूरा करने अपनी टीम के विस्तार में लग गए, पर 6 महीने बाद ही दादीजी का भी देहांत हो गया। इस सदमे से उबरे राहुल ने टीम को संभालना शुरू किया। कोविड ने पैर पसार लिए, 3 माह तक सब कुछ बंद था, पर AWPL और उसके ट्रेनर बिल्कुल शांत नहीं थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग करते और अपनी टीम को संभालते, टीम ने लेवल अचीव करवाए। लेके हाथों में जलती मजाल आग भरता जरे। पहली गाड़ी वरना खरीदी और विदेश की यात्रा को पूरा किया। माता पिता को छुट्टी में दुबई की यात्रा करवाई, बहन की शादी बड़े धूमधाम से की और अपने मकान को भी बनवाया। और आज थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, मालदीव और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की यात्रा कर अपनी सफलता की खुशियां मना रहे हैं और अपनी नई गाड़ी ऑडी के साथ बन रहे हैं ब्लू डायमंड लीडर।